तो गाइस दर्शन हो गए, अब शूज पहन के मैगी भी दी थी उन्होंने। चलते हैं ऊपर चंद्रशिला ट्रैक पर। आप क्यों नहीं आ रहे ऊपर? क्योंकि आपको मेरा सामान देखना है। मैं इन्हें सेल लगाने वाली हूँ, सबको पेच पाच के मैं भाग जाऊंगी। बाय गाइस, ट्रैक स्टार्ट करो और व्यू इतना अच्छा है। चलो गाइस ऊपर चलते हैं। फिर मेन रास्ता ये आगे जाके कनेक्ट होगा एंड ये शॉर्टकट है एंड फाइनली इन लोगों ने मेरी बात मान लिया है। सो हम जा रहे हैं लॉन्ग कट से, ये फिर शॉर्टकट मार के जा रही है एंड स्टिल वी आर गोइंग फ्रॉम लॉन्ग कट। लॉन्ग लिव बूम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस थोड़ा सा ट्रैक करके अब थक गए बहुत, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कर रहा है। सो अब रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट ही चल रहा है, रेस्ट रेस्ट में हम थोड़े थोड़े ट्रैक कर रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा रेस्ट, बट व्यू बहुत अच्छा है और आपको ऐसे दिखता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड। ओ भाई दीदी का छत, दीदी छत पकड़ ली, इतनी तेज है भाई, सबकी टोपी गायब हो गई। अरे टोपी तो गई गई, उनकी भी गई। अरे उधर है तो ब्लैक कलर की, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बिल्कुल सरप्राइज हो गया। अभी ठंडा ठंडा लगा। सो गाइस ब्रेक ओवर हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम दिस कच्चा रास्ता because of these girls. कौन है, दिख गए क्या? बोलना नहीं चाहती, चुप रहो। गाइस ये दो देशद्रोही मिले हमको। भाई कहाँ घूम रहे हो? खेले खेले कॉल गई है, आई है, नहीं है बस। अबे कॉल यहाँ एक कॉल नहीं आया। A few moments later, गाइस वापस रीस्टार्ट हो गई जर्नी। चलो भाई सबसे लेट ही ले जा रहे हैं। चलो चलो चल 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 चल, फिर रेस्ट लेने लग गई एक सेकंड चलकर। चलो भाई क्या है आपकी रीजन? मेरी रीजन एक्चुअली ये है। हाँ बस सुधीर वालों, ये कब देखने को मिलेगा ऐसे? ओके ऊपर से ये नहीं मिलेगा, नीचे से ये नहीं मिलेगा, तो यही एक परफेक्ट स्पॉट है जहाँ से हम ये वाला डायरेक्शन देख सकते हैं। ठीक है इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ, वरना ऐसे कोई बात नहीं है, थकी वकी नहीं हूँ मैं, चाहता हूँ उड़ने सकती हूँ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं। यस After a very long journey. मनीषा और कितना रेस्ट करना है? And very restful people. वो तो बस मैं रेस्ट कर रही थी है। नहीं वो तो मैं बस सीन्स एंजॉय कर रही थी। ओ, ओ भाई, क्या है? थोड़ा सा बच रहा है बस। भाई सबसे पहले कौन पहुंचा इधर? क्लाइंट सबसे पहले पहुंचे भैरव बाबा शिव जी, देन उसके बाद सुबह इज फाइनली अराइव्ड एट चंद्रशिला टेंपल। आ रहे हैं वो क्राउड, हमारे को पार्टनर्स कहाँ गए? वो नीचे लेट गए हैं, उनकी वजह की नहीं है भाई, हम लेट हो रहे हैं। वहाँ मिला था
सो गाइस संतरा ट्रैक के टॉप पे आ चुके हैं, मंदिर में माथा टेक लिया, अब आपको व्यू दिखाते हैं। हो गया ना तेरा टाइम लैप्स और करना है। सो गाइस द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज कि अगर ऐसा तुम ये बनाओगे यहाँ पर तो तुम्हारी विशेस पूरी होंगी। अभी तो ने मांगी भी नहीं है, मांग लेता हूँ ठीक है। ये हमने कितने का बनाया, गिना तो। ये वाला मत गिनना, यहाँ से शुरू है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17। एक और रख दिया यार, एक और रख दिले। अरे भैया तुम लोग बिल्कुल बस रख दिया, मैंने रख दिया 18 कर दिया। अच्छा तू रख दे 17 इस खतरा। अब हमने 18 का बनाया है और वहाँ पे वो वाला देखो भाई, वो कितना बड़ा यार। ये बाप। सो गाइज हम लोग बहुत थर्स्टी थे एंड हम प्रे कर रहे थे कि पानी मिल जाए, और हमें यहाँ पानी पड़ा और मिल गया, एंड हमने भगवान का प्रसाद समझ के से पी लिया। हमने सोचा भाड़ में जाए, ट्रस्ट इश्यूज आज पी लेते हैं। हमने इतना भरोसा कर लिया है, दिल्ली में होते तो भाग जाते यहाँ से। यही तो बात है उत्तराखंड की, यहाँ पे विश्वास ही है सबसे बड़ा देवता, देवभूमि। हमने देवता में विश्वास कर लिया और गए पानी। वैसे नहीं, ये तो अच्छा है, अच्छा पता चल रहा था ना, ये तो है। ये वाले जो है क्लाउड, ये गणेश जी ऐसे लग रहे हैं मेरे को पर्सनली, इनको भी नहीं तो इनको भी। एंड ये मैंने डिस्कवर करा कि क्यूपिड है, देखो उसका हेड, उसका हेड और विंग्स, एरो और उसके लेग्स। वापस जाने का टाइम आ गया एंड वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स डुंगनाथ। सो गाइज द स्टोरी बिहाइंड दिस प्लेस इज की पंडित जी ने जो बताया कि राम जी यहाँ पर आके तपस्या करे थे आफ्टर किलिंग रावण, बिकॉज रावण वॉज अ ब्राह्मण। एंड जो मुझे पता है वो ये थी कि चंद्रमा जी को किसने श्राप दिया था, एंड टू कंपनसेट दैट वो यहाँ पर आके शिव जी की पूजा करे थे, इसलिए जगह का नाम चंद्रशिला है। एंड जहाँ तक मुझे पता है चंद्रशिला वाला पॉइंट ज़्यादा सही है, बट पंडित जी ने कहा है तो राम जी वाला ज़्यादा सही होगा। सो टू फाइंड आउट यू हैव टू कम दिस प्लेस एज यू शुड, एंड चलते आगे। सो गाइज हम लोग चंद्रशिला से वापस आ चुके हैं। व्लॉग हम ठंड हो चुकी है यहाँ पे बहुत ज्यादा, हाथ और नाक सब ठंडा लाल हो चुका है सुन्नता से हमारे, और सुबह इतनी गर्मी हो रही थी हाँ, और यहाँ पर अभी इतना ठंडा होने लगा। और बंदर चला जाओ, इतना मनीष ओ भाई हम 6:30 तक पहुंच जाएंगे। 1 घंटा हम लेके चलते हैं, इससे ढीला नहीं होना चाहिए। हाँ। फिर इससे ढीला है तो फिर तो बेकार है फिर भाई, फिर तो जिंदगी बेकार है। अभी नीचे जाने में भी अगर हमें 1 घंटा ज्यादा लग रहा है फिर तो टूट गया। एंड चलते कैंप में, वहां पे आपको कैंप सिखाते हैं। सो गाइस यहां पर प्लास्टिक बैंड है एंड स्टिल लोग लेके आते हैं, और लाते तो कोई नहीं बट फेंक के चले जाते हैं, तो मैं गैदर कर रहा हूँ सामान और मैं डंप कर रहा हूँ, तो उठा लेना चाहिए। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, गंदगी
तुम गंदगी फैलाओगे, तुम्हारे अंदर भी गंदगी आ गई, फिर पूछा गंदा गंदा मुंह कैसा हो रहा है। चलो ये लो। तो ऐसे ही साफ सफाई करिए जैसे ये हमारे भाई कर रहे हैं। भाई तो बहुत ज्यादा हो गया। भाई अभी डस्टबिन है बीच बीच में, डस्टबिन में डाल दियो। तो गाइस मिशन इम्पॉसिबल, थोड़ा सा ट्राई करा लो। यहाँ पर भी इतना सारा है तो इसलिए यहीं पे फेंकना पड़ रहा है। कितने थे? गिने नहीं यार। और एक ही है। गुड। साफ सफाई रखनी चाहिए ना। मोदी जी बोलते हैं इतना फिर भी नहीं करते लोग। वही तो, मोदी जी की भी इज्जत नहीं हो रही यहाँ पे। तो सिद्धार्थ आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको कैसे लगा? आई फील सो गुड, बट सब लोग मुझे जज कर रहे थे कि मैं कूड़ा वाला हूँ, बट इट्स ओके। इतना जजमेंट तो चलता है। गाइज इससे अच्छे एस्थेटिक्स कहाँ मिलेंगे। सो गाइज ये है हिमालयन रेंज, अब विजिबल हो गए, पहले नहीं थी। सो गाइज ये तो हम मेन स्ट्रीम जंगल ही आ गए हैं, और बहुत दूर तक ऐसी रास्ता बता रहा है भाई, तो जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। A few moments later. So guys, here our starting point. And 6:45 na? 6:45. सुबह कुछ भी नहीं, तो 8 बजे निकले हुए हैं। 8 बजे निकले हुए हैं और अब 6:45 हो गया है। हम जाएं वो जाएं। एग्जिट करते हैं। तो हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगेगा। So guys, due to traffic हम लोगों को कैंप तक वॉक करना पड़ रहा है, और अभी वहीं जा रहे हैं हम। ये रहे सारे क्या कहते हैं, टीममेट्स? नहीं, मैचमेट्स नहीं, क्या ट्रैवल मेट्स बोलोगे? हां, ट्रैवल मेट्स। सो गाइस वी फाइनली अराइव्ड। ये हमारे कैंप टेंट्स जो भी होता है, ये पता नहीं हमें कहाँ आना पड़ेगा, हमें अलग से कह रहे हैं भैया। हम तीनों को अलग जाना है। लेट्स फॉलो हिम। सो गाइस ये लड़कियों का टेंट, वो है पारुल जी, वो पारुल नहीं है, मनीषा। बाय गाइस, मैं अपना देख के आता हूँ। मुझे तो लग रहा है अगला पहाड़ होगा तुम्हारा। दी थोड़ा शुभ शुभ बोलो यार। शुभ क्या होगा? सो गाइस दिस इज अवर टेंट, लेट्स सी हाउ इज दिस। शूज खोलने का? जूते बाहर खोलने? बोलो जी नहीं पता है हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ है। हम लोग ट्रिपल शेयरिंग में थे, जो हमारे फ्रेंड्स क्वाड शेयरिंग में है उन सबको हमसे ऊपर रखा गया है, एंड हमें यहाँ नीचे भेज दिया गया है। और आपने देखा होगा हम कितना ट्रैवल करके आए हैं। ठीक है, हमें मेरा तो कुछ नहीं है भाई, मैं तो एलईडी चोरी करके जाऊंगा भाई। हमारा हम लोगों को लिटरली इसके लिए बुरा फील हो रहा है। अब हमें खाना खाने भी जाना है, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। हम खाना पनीर उन सबके साथ बात करने में जाना है, तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा। पनीर से नीचे जो क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये कौन सी एजेंसी है? YouTube। अबे अबे ये एजेंसी जो इससे नाइस एजेंसी, अबे वो है ये हम आपको बाद में बताएंगे इस एजेंसी का नाम। अगर आप इस एजेंसी से कुछ भी प्लान करना हो, कोई भी ट्रिप प्लान करनी हो, तीन बंदे हो फिर भी कॉल करिएगा, और नहीं तो इनसे पहले बात कर लीजिएगा, हर चीज क्लियर कर दीजिएगा। बहुत काटते हैं गाइस ये, प्लस वन। हमें 3 बजे पहुंचना था और हम पहुंचे रात को 7 बजे। कल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, हम बहुत थक गए थे, और आज भी हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम अब पहुंच रहे हैं 7 बजे। हमारे जीवन का ये दुख खत्म ही नहीं हो पा रहा गाइस, हमें नहीं पता, प्लीज माफ करना। एक तो मैंने 2 जगह पर डिपार्चर को शायद अराइवल को डिपार्चर बोल दिया है, तो उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर देना, बाकी और कुछ नहीं। और नमस्ते, एक बात गलती और हुई होगी गाइस, क्योंकि हालत नहीं है बोलने की, इसलिए तो उस गलती को भी ऐसे नेगलेक्ट कर देना बिल्कुल भी। मुझे पता है ये साला इसको नहीं, मुझे पता है ये मेरा प्यारा दोस्त इसको डालेगा नहीं, पक्का है। ठीक है, ये इसको सबको एडिट कर देगा, ये सिर्फ मेरे साथ यहाँ पे मजे ले रहा है और मुझसे शूट करवा रहा है। बट कोई बात नहीं सिद्धार्थ, तेरी दोस्ती मैं तब देखूंगा जब तू इसको डालेगा। ओके ब्रो, ठीक है। जय हिंद गाइस, जय हिंद गाइस। आओ गाइज आपको अपना स्विस टेंट एक्सप्लोर करवाते हैं।
गाइस ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड तो कुछ है ही नहीं एक्सप्लोर करने वाला, जैसा आपको दिख रहा है तो खिड़की है कि एक और जाओ नहीं नहीं खिड़की अबे ये गाइस यहाँ पर कुछ तो है, कुछ तो है वो यहाँ तो आंखों से भी नहीं दिख रहा, कुछ कैमरे से भी नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा होगा ऐसा कुछ कुछ है। और यही सेम चीज ऐसे है शायद ये वेंटिलेशन के लिए इन्होंने कुछ कर रखा है और बाहर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अंधेरा है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये हमें सॉकेट दिया हुआ है, इन्होंने हमसे कहा है कि फोन चार्ज लगाना हो तो आगे कैंटीन में लगाना, ये चलता नहीं है ठीक है। और इसके अलावा ये हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम की देखिए इधर लाइट होगी, अरे काफी अंधेरा डार्क है, लाइट जला देते हैं, लाइट जलाते हैं, अभी नल नहीं पानी नहीं, अरे लाइट जलाते हैं, पहले लाइट जलाते हैं। हाँ यहाँ पे इसका सॉकेट है, दबाओ लाइट टडा ओ भाई तो और डार्क हो गया ये तो बहुत ज्यादा, सॉरी गाइस लाइटिंग थोड़ी लाइट हो गई है, ये हैवी लाइट है, कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो पा रही है इसके लिए हमें भाई देखना ही अभी अभी जला हुआ है ठीक है, अभी से बंद कर रहा हूँ और ये जब भी इतना अंधेरा है जला दिया सीट, जब भी अंधेरा सीट वैसे बिना उसे दिख रही है देख, हाँ बंद कर लाइट, हाँ कैमरे में डिफरेंस पड़ रहा है दिखाइए हल्का सा गाइस आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट भी क्या है, माइनर डिफरेंस है यहाँ पे गाइस। इनकी जाली कहाँ है, कौन सी जाली, जहाँ से पानी जाएगा, अरे पीछे होगा गाइस कुछ नई चीज डिस्कवर की हमने, वाटर फ्लो देख रहे हो आप, अब वाटर यहाँ पानी आ रहा है ठीक है गाइस, तो हाथ यहाँ पे धोए जा सकते हैं और जैसे ही हम ये नल ऑन कर रहे हैं यहाँ पे भी पानी के लिए कम हो गया, अबे गाय भी हो गया और ये धीरे धीरे पानी की मृत्यु होते हुए खत्म। फ्लश का क्या सीन है, फ्लश दिखा भर जाएगा, रात में खोल के रखना पड़ेगा ये रिकॉर्ड, ये हमने अभी से भरने के लिए लगा दिया अपने पिछवाड़ा भी जब तक नोएडा वापस जाएंगे ये भर जाएगा। गाइस यहाँ पे जेट में भी बिल्कुल वो नहीं है, जेट हमारा नहीं है, हेलीकॉप्टर से भी हमारा जेट में भी बिल्कुल प्रेशर नहीं है, तो हमें लग रहा है कि इसी से सारा काम चलाना पड़ेगा। जगह है, जगह है ठीक है, जगह है धोने के लिए, गाइस धोने के लिए हाथ चले जाएंगे, जगह है धोने के लिए, बाकी बस बंद कर दूं। A few moments later, so guys finally having dinner at 9:23, खाके चलते आगे और यहाँ पे बॉनफायर की तैयारी होते हुए नहीं है, वो ये लग चुकी है आँख। So guys यहाँ पे bonfire के साथ everyone is telling their ghost stories। So guys हम लोग पहुँच चुके थे, डिनर कर लिया bonfire में, हाथ भी सेक लिए, उसके बाद अब जाके वैन जाइए, हमने बैग्स ले लिए और अब जा रहे हैं वापस कैंप की तरफ। सो गाइज इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, डू लाइक कमेंट शेयर इफ यू लाइक दिस ब्लॉग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।